नहीं अभी हम बहुत अच्छे से फोटो लेने वाले हैं, पहले जरा वार्म अप हो जाए लोग। जी सर आइए आइए आज फिल्म का मुहूर्त था, क्या कहना चाहेंगे अपने किरदार के बारे में, कुछ बताएं फिल्म में किस तरह का किरदार है और मुहूर्त के कैसा रहा? किरदार फिलहाल मेरे घर से यहाँ तक मेरे साथ कह रहे हैं कि कुछ और कुछ देखो जी। तो मुहूर्त की बात करें तो किस तरह का मुहूर्त रहा और सब यहाँ पर मिले हैं इतने दिनों के बाद, क्या कहना चाहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा? हाँ, आज का दिन बड़ा खास है और बहुत पुण्य भी है। आज हमारे फिल्म सन ऑफ सरदार का मुहूर्त है, सन ऑफ बिहार। सही है, नाम ही ऐसा है। हाँ, सन ऑफ सरदार से मिलता जुलता है तो उससे बेहतर है अब सन ऑफ बिहार। तो किस तरह की फिल्म होने वाली है, थोड़ा कुछ अगर ऑडियंस को बता दें? जी फिल्म कोई एक स्पेसिफिक किसी जॉनर में तो नहीं रख सकते, टोटली आई मीन एंटरटेनिंग फिल्म है ये और इसमें हर किस्म के आपको रस मिलेंगे, जैसे कि बहुत अच्छे एक्शन है, फाइट्स हैं इसमें और बदला है आपस में, और इसके अलावा रोमांस है, नोकझोंक है, गुदगुदी है यानी कि कॉमेडी है, तो सबका समावेश है इस फिल्म में। बड़ी अच्छी एक होलसम एंटरटेनिंग मूवी है। आप क्या कहना चाहेंगे, आज फिल्म का मुहूर्त है, क्या कहना चाहेंगे, कितना कितना अच्छा था या कैसा रहा? सबसे पहले तो जितना भी हमारे जैसे लोग हमारा को देखा था नहीं, उनके उन सब के रहल बात मुहूर्त के, तो मुहूर्त एकदम झकास भेगा। आप पिक्चरवा के नामे है सन ऑफ बिहार, सन ऑफ बिहार के बाद राकेश मिश्रा जी, उनसे बेहतर क्यों सन ऑफ बिहार हो सके लगा। एक नंबर के गायक बड़े, इतना अच्छा अच्छा गाना गावे ले, और तुम बोलबा कुछ हो और कैप्टन ऑफ द शिप मेरे फेवरेट रवि सिन्हा जी, और उनके साथ मैं पहले भी काम कर चुकी हूँ और फिर से उन्होंने मौका दिया तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक अच्छी टीम बनाई है और काफी अच्छा प्रोजेक्ट है, तो बहुत अच्छा कुछ होने वाला है। जी, अपने किरदार के बारे में बताइए और किस तरह का प्रिपरेशन चल रहा है अपने किरदार को लेकर? जो मेरा किरदार है बहुत ही चुलबुला और मतलब एकदम तोड़फोड़ करने वाली लड़की का ऐसा किरदार है, तो जो मुझे बहुत प्यारा भी है और मैं उसको बहुत अच्छे से प्ले करती हूँ। और अभी इस फिल्म में मैं ये कोशिश करूंगी कि कुछ उसको और डिफरेंट तरीके से प्ले कर सकूं और अपने दर्शकों को और अच्छे से मतलब उसके उस अपने किरदार के प्रति मतलब खुश कर सकूं, तो ये मेरी कोशिश रहेगी। सर आप क्या कहना चाहेंगे, आज फिल्म का मुहूर्त हो चुका है तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा और कैसा रहा मुहूर्त? सबसे पहले आप सभी लोगों को, मीडिया को तहे दिल से शुक्रिया, और शुक्रिया हमारा दर्शक जो हमें यहाँ तक लाए हैं, समस्त भूतपुरी समाज को प्रणाम। और आज इस पोस्टर के सामने हम खड़े हैं तो इसमें सबसे बड़ी अहम योगदान मीडिया की होती है, क्योंकि आप लोग हमेशा हम लोगों को सर्वाइव करते हैं। रही बात फिल्म की, तो मैं मुहूर्त में खास करके आज सभी लोगों से मिला, और सबसे जब भी जहां भी जाता हूं तो हमारे जो भी आर्टिस्ट होते हैं, कोई एक्टर होते हैं, सबसे पहले सबके साथ एंजॉय करता हूं, कुछ सीखता हूं, तो फिर आज भी बहुत कुछ सीखने को मिला। और अभी दो दो लोग थे ही, पूनम जी हैं, अंजना जी हैं, ये लोग कुछ ज्यादा ही खिंचाई करती हैं फिर भी, लेकिन मजा आता है। और हम मेरा अपना पर्सनल मानना है कि जिस फिल्म का नाम ही हो सन ऑफ बिहार, तो सबसे पहले थैंक यू रवि सिन्हा जी को जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, और थैंक यू भोजपुरी सिनेमा के बहुत सारे निर्माणकर्ता जो बहुत बड़े एक बैनर हैं, हमारे गार्जियन आदि शक्ति बैनर दुर्गा दादा को, जो इतनी अच्छी फिल्म की निर्माण करने जा रहे हैं और जिसका टाइटल ही ये बताता है कि हमारे ऊपर जिम्मेवारी कितनी होगी। अगर आपको अपने घर की जिम्मेवारी दे दिया जाए कि आप इस घर के बेटा हो, तो सोचो कि आपको कितना ज्यादा निभाना होगा।
तो यानी कि थैंक यू सबको और थैंक यू सपोर्टर्स को, थैंक यू रवि जी को कि शायद कुछ तो उनको दिखा होगा। तो इस बंदे को मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे यह जिम्मेवारी मिल रही है, अपने राज्य का नाम मेरे साथ जुड़ रहा है। तो थैंक यू सबको और सपोर्टर्स। फिल्म में आपने गाना गाया तो दो लाइन अगर ऑडियंस के लिए गुनगुना दे आपको। मैं फिल्म में गाना गाया हूँ, अभी गाना गाऊंगा, लेकिन हाँ इस फिल्म की तो चीजें देखिए अभी थोड़ी सी क्षमा चाहूंगा क्योंकि अभी सारी चीजें तो ला नहीं सकता, लेकिन हाँ एक सिंगर हूँ तो गाना गा सकता हूँ। अभी जैसे मैंने होली में एक गाना गाया है जो हमारे भोजपुरी में लोग बोलते हैं कि हमेशा वैसा वैसा, लेकिन हमने एक गाना गाया है होली में, होली का मिजाज भी है। अभी एक सॉन्ग है उसमें कि हर कब खेल अबीर पिया, कब खेल अबीर की होली नियराइल, बाड़ तू भुलाइल होली नियराइल, बाड़ तू भुलाइल उठता करे जब हम पीर पिया। वो मीडिया वाले की भी औरत हो सकती है। थैंक यू। हमेशा एक चीज आप लोगों से मैं पर्सनली बोलना चाहता हूँ, आज मुहूर्त में हूँ, हमेशा बोलता भी हूँ, हमारे भोजपुरी के लिए सर ध्यान देना, हमारे भोजपुरी के लिए हमारी पॉजिटिव चीजों को जरूर उठाया करिए। हम चाहते हैं कि ये मीडिया ही कर सकता है, भोजपुरी की जो छवि थोड़ी मोड़ी इधर हो रही है ना उसको आप लोग संभालिए। हमारे घर में प्रॉब्लम ये होता है कि हम मीठा कितना बोलते हैं उसको नहीं बताया जाता है, झगड़ा कितना होता है उसको बताते हैं। दैट्स मीन्स कि हम माइनस को ज्यादा लाते हैं, प्लस को छुपाते हैं। अब प्लस को लाओ कि हमारे भिखारी ठाकुर क्या गाए, हमारे गायत्री ठाकुर क्या गाए, हमारी भोजपुरी कितनी मीठी होती है, भोजपुरी की औरत साड़ी पहनती है तो कितनी अच्छी लगती है। लेकिन अब आप ये चीज चाहता हूँ कि आप लोग मदद करो प्लीज, हाथ जोड़ के सबसे निवेदन है, हमारा भोजपुरी जिंदाबाद, देश विदेश जहाँ भी रहे मस्त रहे, और आगे आप सबका दुआ है। इसके अलावा कब से शूटिंग स्टार्ट होने वाली है, आखिर में जानना चाहूंगा। शूटिंग जिम्मेवारी थोड़ी बड़ी है, देखी रहे हो, आपको मैं बता ही दिया कि सोनभ बिहार है, थोड़ी प्लानिंग करके और जल्दी ही शुरू करेंगे। किस तरह का किरदार होने अभी नए प्रोग्राम का मुहूर्त।